डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोयम द साम ऑफ लाइफ। साम ऑफ लाइफ का क्या मीनिंग है? जीवन का स्तुति गान। जीवन का स्तुति गान का मतलब जिंदगी के बारे में एक डिवोशनल सॉन्ग या भजन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। शाब्दिक अर्थ इसका होता है भजन, या किसी ईश्वर के प्रति डिवोटेड कोई सॉन्ग या कोई गीत या कोई गाने को हम डिवोशनल सॉन्ग या साम कहते हैं। साम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का लिखा हुआ है, जो कि अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और यूएसए यानी कि अमेरिका से हैं। और इनका जन्म अमेरिका में 1807 में हुआ था। इनका जो परिवार था न्यू इंग्लैंड से माइग्रेटेड था, और इसके बावजूद भी अमेरिका में होने के बावजूद वो यूरोप और पूरे अमेरिका में उन्होंने अपना सफर किया, अपनी रिसर्चेस की, अपनी पढ़ाई की। और इसके साथ साथ उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में प्रोफेसरशिप भी की। और अपनी लाइफ के अंतिम 20 सालों में उन्होंने बहुत सारे कविताओं को रचा, बहुत सारी कविताएं लिखी उन्होंने, जिनमें से साम ऑफ लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ और पोयम्स लिखी हैं, जैसे वॉइस ऑफ द नाइट है, द रीपर एंड द फ्लावर्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने एक बहुत ही शानदार जो डैंटे हैं कवि, उनकी डिवाइन कॉमेडी का ट्रांसलेशन भी किया है। तो ये हुई बात एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो की, जो इसके कवि हैं। अब हम बात करते हैं कविता की, द साम ऑफ लाइफ की। आपके सामने एक कविता लिखी हुई है, दो मैंने स्टैंजास लिख दिए हैं उसके मीनिंग के साथ। चलिए इसको पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, प्रोनंसिएशन के साथ और इसकी राइम के साथ, और आप इसको कोशिश करेंगे मेरे साथ रिपीट करने की। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अनेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अनेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। चलिए अब दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो is our destined and our way, not enjoyment and not sorrow is our destined and our way, but to act that each tomorrow finds us farther than today। तो आपको इसी अंदाज में इस कविता को पढ़ना होगा, और उसके बाद हम इसकी स्टेंजा के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। कवि एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो ने जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में एक अलग बात कही है, जो आम लोगों से हटकर है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जिंदगी या जीवन संघर्षों से, मुश्किलों से भरा हुआ है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार जिंदगी में कुछ भी नहीं है भाई, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियां हैं, मैं इस चीज में परेशान हूं, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ है, हम इस चीज को लेकर परेशान है, कोई अपनी नौकरी को लेकर परेशान है, कोई अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है, और कोई पता नहीं किस किस चीजों को लेकर हम सब परेशान रहते हैं। और अंतिम रूप से जब हम किसी से पूछते हैं, भाई लाइफ में आपने क्या से क्या, आपको क्या लगता है लाइफ क्या है, तो सबका अल्टीमेट जवाब ये होता है कि लाइफ इज नथिंग, लाइफ इज नॉट रियल। कुछ लोगों का, कुछ धार्मिक लोगों का मानना होता है कि ये जिंदगी सिर्फ संघर्षों के लिए है, यहाँ पर जो हम अच्छे काम करेंगे तो इसके बाद हमें एक अच्छी बेटर लाइफ मिलेगी, जो इस वर्ल्ड के बाद मिलेगी। और कुछ लोगों का मानना होता है कि यहीं पर है जो कुछ भी है, हम इसको अच्छा कर लें या बेहतर कर लें, और उसके बावजूद भी जिंदगी जो है एक एक, एक रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो कवि इन चीजों को अपोज करता है, और वो अपनी कविता में जिंदगी का एक नया फॉर्म, एक नया रूप हमारे सामने रखता है। क्या कहता है कवि, आइए सुनते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ रियल है, सच्ची है। जैसा कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि लाइफ के कोई मायने नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इट इज मीनिंगलेस, इट हैज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। Many people face
different and difficulties in their life. So they have a perception in their minds. अपने दिमाग में उन्होंने एक perception, एक idea बिठा लिया है कि हमारे जो साथ ज़िंदगी में हो रहा है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि life बिल्कुल बेकार है, meaningless है. जबकि कवि क्या कह रहा है? Life is real. क्यों कह रहा है? आगे वो आगे वाली line में, आगे पंक्तियों में बताता है. उसके बाद क्या कह रहा है? Life is earnest. Earnest means sincere. Unless real, unless we sincere या गंभीर, सच्ची. Life is not a game. It is not a fun for anyone. It is real and it is serious. It has some object. It has some meaning. ईश्वर ने हमें अगर जिंदगी में भेजा है तो उसकी कुछ न कुछ मीनिंग जरूर है. और कवि का ये मानना है कि लाइफ बिल्कुल सीरियस है, ऐसे नहीं है जैसे कि लोग सोचते हैं. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. ग्रेव इज कब्र. कब्र इज एंड ऑफ द लाइफ. जहां मरने के बाद हम कहां पहुंचते हैं? कब्र में पहुंचते हैं या शमशान पहुंचते हैं. क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में दफनाने के लिए ग्रेवयार्ड ले जाया जाता है. हिंदूज में या अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं उनमें अपने अलग अलग लास्ट राइट्स होते हैं. तो इसपे चूंकि कवि क्रिश्चियन है तो उसने बताया कि ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी हम जिए, खाएं, पिए, मौज करें और उसके बाद हम कब्र तक पहुंचाएं या हमारा खत्म पहुंचाएं. दैट इज नॉट द एम ऑफ लाइफ. दिस इज नॉट द एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. गोल मीन्स पर्पस, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ. उद्देश्य, जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ कब्र तक पहुंचना नहीं है, बल्कि क्या है? डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्निस्ट. डस्ट, डस्ट कहा गया है मिट्टी को. डस्ट कहते हैं धूल को या मिट्टी को. इंसान किससे बनाए? मिट्टी से बनाए. हम सब, हमारा शरीर क्या है? मिट्टी से बना हुआ है. और हमारी जो अंतिम जो परिणति है, जो हमारा रिजल्ट है, वो क्या है? हमें मिट्टी में ही मिल जाना है. चाहे हम दफन किए जाएं, चाहे हम जलाए जाए, अल्टीमेटली हमारा क्या होना है? हमारे शरीर की मिट्टी बन जानी है, धूल बन जानी है, राख बन जानी है. तो कवि कह रहा है डस्ट दाउ आर्ट. तुम मिट्टी से बने हो, डस्ट से बने हो, धूल से बने हो. टू डस्ट रिटर्निस्ट, और तुम्हें मिट्टी में ही वापस लौट जाना है. दाव कहते हैं तुम, डस्ट कहते हैं धूल, दाव कहते हैं तुम. आर्ट मीन्स बने हुए हो. टू डस्ट रिटर्निस्ट मीन्स वापस को जाना है. तुम्हें, तुम मिट्टी के बने हो और तुम्हें मिट्टी में वापस मिल जाना है, पहुंचाना है. ये बात किसके लिए कही गई? वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, बल्कि शरीर के लिए कही गई है. इंसान जब पैदा होता है तो उसके शरीर के साथ साथ रूह उतारी जाती है, बल्कि रूह या आत्मा पहले उतारी जाती है, सोल पहले उतारी जाती है, और सोल को कपड़े बाद में पहनाए जाते हैं. किसके? शरीर के, मिट्टी के कपड़े आत्मा को पहनाए जाते हैं. और जब एंड आता है किसी शरीर का, तो आत्मा उसको छोड़कर परमात्मा में मिल जाती है या बाहर निकल जाती है. जैसे ही हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है तो हम मृत कहलाते हैं, डेड कहलाते हैं. तो ये बात जो कही गई है, डस्ट द आर्ट टू डस्ट रिटर्निस्ट, यानी कि तुम मिट्टी के बने हो और तुम्हें मिट्टी में मिल जाना है, ये बात सिर्फ शरीर के लिए कही गई है, आत्मा के लिए नहीं. क्योंकि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है. तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ भी हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जो भी हम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वो हमारे शरीर पे परेशानियां दे सकता है, हमारी आत्मा पे नहीं. हमारी आत्मा का खत्म होने का या समाप्त होने का या एंड होने का या मरने का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है. रूह या आत्मा जो सोल ईश्वर ने क्रिएट की है, वो अल्टीमेटली हमेशा हमेशा के लिए रह जाने वाले. हमारे शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी ये ट्रांसफर हो जाएगी. जैसे कि रिलीजियस या धार्मिक मानना भी है कि आत्मा अजर और अमर है और उसको अल्टीमेटली परमेश्वर से जाकर मिल जाना है. तो क्या कहे, क्या कहता है कवि? डस्ट द आर्ट टू डस्ट रिटर्निस्ट. तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में लौट जाओगे. ये बात सोल के लिए नहीं कही गई है, ये सिर्फ शरीर के लिए कही गई है. इसलिए
आप इन जिंदगी की जो परेशानियां हैं वो सिर्फ शरीर तक हैं, हमारी आत्मा को इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर मर जाएगा और जो हमारे अच्छे काम होंगे, जो हमारी दिक्कतें होंगी, वो शरीर के साथ खत्म हो जाएंगी और फिर हमें स्वर्ग या नरक, जो हमारे काम है, जो हमारे डीड्स हैं या हमारे गुड डीड्स हैं, उनके आधार पर हमारी चीजों को तोला जाएगा। इसलिए शरीर के बारे में चिंता नहीं करनी है, आत्मा के बारे में चिंता करनी है कि हमें उसको कैसे तकलीफ से बचाना है आफ्टर डेथ, जो लाइफ है उसमें। तो आप देखिए इसके मीनिंग भी इस कुछ मैंने लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है। सांग का मतलब हो गया डिवोशनल सॉन्ग, भजन या भक्ति गान। रियल मीन्स एक्चुअल या वास्तविक। अनेस्ट मीन्स सिंसियर, गंभीर या सच्चा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर, जिसमें कवि ने फिर जिंदगी के बारे में कुछ और बात बताई है। चलिए पढ़ते हैं इसको और मेरे साथ साथ आप इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आर डेस्टाइन एंड और वे। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आर डेस्टाइन एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। But to act that each tomorrow finds us farther than today. तो हाँ प्यारे बच्चों, आप इसको मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम पोयम को उसके राइम में, उसके पैटर्न में, जो उसका तरीका है उसमें नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें मजा कविता का नहीं आता है। चलिए अब इसके मीनिंग की ओर चलते हैं कि कवि इस स्टेंजा में क्या बताना चाहता है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, एंजॉयमेंट मीन्स एंटरटेनमेंट, दुनिया की खुशियां जो हम सुबह से लेकर शाम तक हम अपने शरीर को देते रहते हैं, खाने से, पीने से और एंटरटेनमेंट से, खेलने से, कूदने से और बाकी इधर उधर जाने से, जो बाकी जिंदगी के या जीवन के जो भी कंफर्ट्स हैं, जो सुख हैं, उनको लेकर जो हमारे एंजॉयमेंट हैं, उसके बारे में कभी बात कर रहा है। नॉट एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट नहीं, एंड नॉट सॉरो और ना ही दुख, ना ही खुशियां और ना ही दुख। दुख कौन कौन से? बहुत सारे तकलीफें और परेशानियां इंसान के साथ आती है, जैसे मौत है, एक्सीडेंट्स हैं, बीमारी है, परेशानियां नौकरी की है, बच्चों की है और पढ़ाई को लेकर है। स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी परेशानियां होती है, इम्तहान की या परीक्षा की परेशानी है, या घर को लेकर परेशानी है कि घर में दिक्कत है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सब हमारे लिए सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट और सोर्स ऑफ सॉरो है। स्रोत है किस चीज के? एंजॉयमेंट के और सॉरो के। तो क्या कह रहा है? नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, जीवन सिर्फ एंजॉयमेंट और सॉरो का नाम नहीं है। जीवन या जिंदगी सिर्फ मजे लेने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए या दुखों को बर्दाश्त करने के लिए, जो दुखों को झेलने के लिए नहीं है। इज आर डेस्टाइन एंड और वे, ये सब हमारी किस्मत नहीं है कि हम दुखों में जिंदगी गुजारे या खुशियों में गुजारे, या तरीका ये हमारा नहीं है कि हम सिर्फ दुखों में ही जिए, अपने शरीर पर बहुत ज्यादा कष्ट झेले, या हम अपने शरीर को बहुत ज्यादा सुखों में घेर ले। ये हमारा एंड या तरीका नहीं है। एंड मीन्स वे ऑफ लाइफ या तरीका, हमारा जो एंड है, जो एम है, वो नहीं है, बल्कि वे तरीका भी नहीं है कि हम एंजॉयमेंट और सॉरो में घिरे रहे। सॉरो को में घिरे रहने का क्या मतलब है और एंजॉयमेंट का क्या मतलब है? एंजॉयमेंट के बारे में मैंने बताया कि एंटरटेनमेंट या खुशियां या कंफर्ट्स हमारे अपने आसपास हम इकट्ठा कर लेते हैं, सारी जीवन में हम कमाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और धन इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं, जिससे कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन बहुत खुशियों और सुख के साथ बीते। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं जिंदगी में कुछ भी नहीं है और ये बेकार की जिंदगी है, चलो हम नेक्स्ट आफ्टर जो डेथ लाइफ है उसके लिए अपने शरीर को कष्ट देते हैं, कुछ नहीं इस्तेमाल करते हैं, अच्छा खाते नहीं है, अच्छा पहनते नहीं है, जो परिवार की जो जिम्मेदारियां उनको पूरा नहीं करते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि सॉरो यानी कि अपने शरीर पर कष्ट देने से, अपने शरीर को कष्ट देने से हम हमारी जो अगली लाइफ है वो बेहतर हो जाएगी,
नहीं ऐसा नहीं है, ना तो खुशियां और ना ही सौरव, ऐसा नहीं है। हमें खुशियों के बीच में ही रहकर, दुखों के बीच में रहकर ही आने वाली लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। ये हमारी जिंदगी का एंड या तरीका नहीं है और ना ही हो सकता है, बल्कि क्या है, नेक्स्ट लाइन में कवि ने बनाया बताया है, बट टू एक्ट, बट टू एक्ट, एक्ट का मतलब काम करना, काम करना, एक्ट एक्ट का मतलब एक्शन में आना या कोई काम करना, यानी कि जिंदगी आराम करने के लिए या दुखों को झेलने के लिए नहीं है, बल्कि एक्शन में रहने का क्या नाम है, यानी कि हम हर वक्त अपना काम, अपना जो जो भी हमें ड्यूटी दी गई है, जो भी हमारा काम है, जिस भी सेक्शन से, जिस भी विभाग से, जिस भी काम से हमें जोड़ा गया है या हम जुड़े हैं, उसमें हम हर वक्त काम करते रहे, दैट ईच टुमारो, क्योंकि हर एक दिन, हर जो अगला दिन आ रहा है, फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, वो हमें आगे की ओर ले जा रहा है, हर दिन हमें आगे की ओर ले जा रहा है। जैसे कि हमने कोई काम शुरू किया और हम सोचते हैं कि यार हमसे ये होगा या नहीं होगा, तो हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं, सोचें, बल्कि ये सोचें कि हम उस काम को तुरंत करें और करने के बाद आगे के बारे में नहीं सोचें, क्योंकि जब हम काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और जब हम कुछ वक्त बाद उसको इवेल्युएट करेंगे, जब हम उसको उसका विश्लेषण करेंगे, तो हम पाएंगे कि हम बहुत आगे आ गए हैं, क्योंकि काम करते समय, एक्शन के वक्त आदमी को पता नहीं रहता है कि वो उसे कितना काम कर लिया, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है, finds us farther than today, तो वो फिर आज से बहुत आगे पाता है, जो हम आज कर रहे हैं और हम उसे करते रहेंगे, तो जब कल हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम आज के वक्त से farther, बहुत दूर आगे निकल आएंगे। तो हमें कभी एडवाइस कर रहा है कि हमें सिर्फ एंजॉयमेंट और सौरव के बारे में नहीं सोचना है, हमें अपनी डेस्टिनी, यानी कि जो पहले से हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं, वो तरीके के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमें तो आज और अभी के बारे में सोचना है, और अभी में जो एक्शन लिया जा रहा है, अभी में जो काम किया जा रहा है, उसके बारे में सोचना है, क्योंकि अगर हम अपने काम से जुड़े रहेंगे तो कल हम पाएंगे कि हम अपने लक्ष्य से, लक्ष्य को पाने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमने बहुत तरक्की की है और हम निरंतर प्रगति करते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप एक बार फिर इस कविता को अच्छी तरह से पढ़िए और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जो बाकी के दो स्टैंजास हैं उसका मीनिंग समझाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. कवि कह रहा है, in the world's broad field of battle, ये इस दुनिया को कवि ने एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र माना है, और क्या कहा है, in the bivouac of life, और ये जीवन क्या है, एक temporary, एक रहने का स्थान है, बायोक कहते हैं असल में नाइट कैंप ऑफ सोल्जर्स, जहां पे युद्ध क्षेत्र होता है, युद्ध क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक जंग होती है, युद्ध होता है, और उसके बाद शाम के बाद युद्ध को रोक दिया जाता है, फिर सारे जो सोल्जर्स हैं वो आराम के लिए, अपनी चोट को ठीक करने के लिए, दवाई या पट्टी के लिए अपने अपने कैंप्स में ठहर जाते हैं आराम करने के लिए, उसको हम बायोक कहते हैं। तो बायोक को कंपेयर किया गया है जीवन के लिए, जीवन से तुलना की गई है बायोक की, और वर्ल्ड इस दुनिया को, पूरे विश्व को एक युद्ध क्षेत्र से तुलना की गई है, युद्ध क्षेत्र माना गया है। तो इस युद्ध क्षेत्र में ये लाइफ क्या है, बायोक है, बायोक इस ठहरने का स्थान, सिपाहियों के ठहरने का, आराम करने का स्थान। तो कह रहा है कभी, इस युद्ध क्षेत्र के इस ठहराव में, इस बायोक ऑफ लाइफ में, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार मत करो। भेड़ बकरियों का व्यवहार करने का क्या मतलब है, उनके अंदर अपनी कोई समझ नहीं होती है, चरवाहा आगे चलता है और उसके पीछे पीछे बहुत सारी भेड़ बकरियां पीछे पीछे चलती रहती है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, इधर से उधर से कहां जाना है कहां नहीं जाना है, उनका झुंड
500 अगर है तो 500 भी एक ही भेड़ के आगे या एक ही चरवाहे के आगे सब पीछे पीछे चलते चले जाते हैं। अपने माइंड का, अपने लॉजिक का, अपने किसी भी सोच का वो यूज नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार नहीं करना है, बल्कि वी बी आर हीरो इन द स्ट्राइप, नायक की तरह स्ट्राइप में, परेशानियों में, मुश्किलों में, तकलीफों में, संघर्षों में कैसे बन के काम करना है, हीरो की तरह। हीरो कौन होता है, नायक कौन होता है, जो विषम परिस्थितियों में, ऑपोजिट जो कंडीशंस होती हैं उनमें जब सब लोग पीछे रहते हैं, सब लोग डरते हैं उस काम को करने से, तो हीरो आगे आते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं और वो नायक बनते हैं और जीत हासिल करते हैं, उनको हम हीरो कहते हैं। तो हमें डम ड्रिवन कैटल ना होकर हीरो की तरह काम करना है। तो कभी हमें इस सेंस में सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है कि इस जीवन के युद्ध क्षेत्र में जो हम ठहरे हुए जीवन के रूप में, तो हमें क्या करना है, डम ड्रिवन कैटल की तरह नहीं, बेकार मन बुद्धियों का नहीं, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए हीरो की तरह, नायक की तरह इस जीवन के संघर्ष में काम करने के लिए आगे बढ़ना है। चलिए अब हम इस पोयम के लास्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर में कवि क्या संदेश देना चाहता है। कवि कह रहा है, लेट अस देन, लेट अस देन Be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. तो कभी आह्वान कर रहा है रीडर से, सभी से कह रहा है कि चलो फिर खड़े हो, उठो, be up and doing, be ready for action, काम करने के लिए तैयार हो जाओ, किसी भी एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। Let us then be up and doing, तो फिर चलो खड़े हो जाओ, हम सब खड़े हो और आगे बढ़े और करें, विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, किसी भी जो भी हमारा नतीजा निकले, जो भी हमारा हमारे काम का रिजल्ट निकले उसको ना सोचते हुए, उसको अपने दिल में ना लाते हुए काम करें। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, काम करें बिना नतीजों के बारे में सोचते हुए, किस्मत के बारे में सोचे बिना। फेट कहते हैं किस्मत को, जो भी हमारे हमारी फ्यूचर में जो कुछ हमारे साथ होना है, रिजल्ट जो हमारा आना है, जो परिणाम आना है, उसको बिना सोचे हुए हम आगे की ओर बढ़े। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, सब कुछ हासिल करते हुए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए, जो कुछ भी हम पा रहे हैं उनको हासिल करते हुए, उनको लेते हुए सीखे, क्या सीखे, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मेहनत करना सीखे, कड़ी मेहनत करना सीखे, लेबर मींस हार्ड वर्क, लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखे एंड टू वेट, और सबर करना सीखे। हम देखा होगा आपने, अगर हम स्टूडेंट्स की बात लें, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा अपनी परीक्षा से पहले वो रात दिन जागते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं और अपनी परीक्षा देकर वो बैठ जाते हैं, बहुत दिनों बाद रिजल्ट आता है, एक महीने बाद और 15 दिन बाद या जितने भी दिन बाद आता है, उसके लिए वो सबर करते हैं, वेट करते हैं और उसके बाद जो उनका रिजल्ट आता है तो उस पर उन्हें बेहद खुशियां मिलती हैं। किनको खुशियां मिलती हैं, जो लर्न टू लेबर, जो मेहनत करते हैं, लर्न टू लेबर मीन जो मेहनत करना सीख जाते हैं और वेट करते हैं, उन्हीं को कामयाबी मिलती है। तो हमने देखा इस लास्ट सेंटेंस में भी कवि हमसे आह्वान कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, हमें सलाह दे रहा है कि चलो फिर इन सब चीजों को देखते हुए जो पिछले सेंटेंस में उसने बताया है, उन चीजों को देखते हुए चलो अब हम खड़े हों और डूइंग, कुछ काम करें विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, कि किसी भी जो भी हमारा नतीजा, जो भी हमारी किस्मत में होगा वो हो जाएगा, उसके बारे में सोचते हुए हम स्टिल अचीविंग, स्टिल पर्सुइंग, लर्न टू लेबर, लर्न टू एंड टू वेट, और हम सीखें, सब कुछ हासिल करते हुए, तरक्की करते हुए हम मेहनत करना सीखें और इसके साथ साथ सबर करना सीखें, वेट करना सीखें। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी काम किया और हमें हमारे दिल में हलचल होना शुरू हो जाए और हम काम को बनने से पहले बिगाड़ दें। तो हमें लेबर भी करना आना चाहिए, मेहनत भी करना आना चाहिए, उसके साथ साथ हमें वेट भी करना आना चाहिए, सबर भी हमारे अंदर आना चाहिए, हम तसल्ली भी रखें कि कोई काम अगर हमने किया है तो उसका नतीजा बेहतर निकलेगा। तो इस तरीके से H.W. Longfellow ने जिंदगी के इस गीत में लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को, अपने लीडर्स को बहुत
बहुत अच्छी तरह से जिंदगी की जो परिभाषा है उसको बताया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चंस के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन का एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम्स में क्या पैटर्न होगा, उसके बारे में एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे दो क्वेश्चन आएंगे। दो क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन एक पैसेज होगा जिसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होगा, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जिसमें एक पैसेज दिया होगा। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके दिया हुआ है स्पेस की कम होने की वजह से, जहां आपको पूरा स्टैंजा लिखा हुआ होगा जैसे मैंने भी पहले लिखा हुआ था। उसको लिखने पर के बाद आपको पढ़ना है स्टैंजा को, और उस पर बेस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको करना होगा। ये 4 मार्क का होगा हमारा, और उसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, 6 क्वेश्चन जो सेंट्रल आइडिया होगा, सेंट्रल आइडिया यानी कि समरी, या 4 लाइन की आपको पोयम लिखनी होगी जो 3 मार्क के होंगे, जिनमें से कोई से 2 करने सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन्स की पोयम। 4 लाइन्स की पोयम को हम याद करेंगे, और कभी इत्तेफाक से वो स्टैंजा में भी आ जाए तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम 8 लाइन की पोयम याद कर लें। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं कि कैसे हम पैसेज को आंसर करेंगे। जैसे रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे वाला जो पैसेज दिया हुआ है इसको पढ़ना है, उसमें जो बेस क्वेश्चन है नीचे उनको आपको आंसर करना है। ज्यादातर आंसर हमारा ये पहला क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ द पोयम एंड इट्स पोएट। तो जाहिर सी बात है आपने हर चैप्टर के शुरू में पोयम का नाम लिखा होगा और कवि का नाम लिखा होगा, तो आप उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो कैसे आंसर लिखा जाएगा, नेम ऑफ द पोयम द साम ऑफ लाइफ ऑफ द पोएट एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिन हर लाइन के आखिर में जो वर्ड होता है उसका अगली लाइन के जो वर्ड है उससे वो मैच कर रहा है, राइम कर रहा है, तुक मिल रही है उसकी, इसको हम राइमिंग वर्ड बोलेंगे। तो हमारे जो पहला स्टैंजा है लाइफ इन रियल वाले में, तो राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, अर्नेस्ट, और तीसरी लाइन का जो आखिरी वर्ड है वो रिटर्नेस्ट है। तो ये दोनों वर्ड की तुक मिल रही है, अर्नेस्ट रिटर्नेस्ट, इसको तुकबंदी कहते हैं। इस तरह से तीसरी, दूसरी और चौथी लाइन की जो आखिरी वर्ड्स हैं गोल और सोल हैं, तो इस तरह से ये दो राइमिंग वर्ड्स हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। राइम स्कीम क्या होती है, कि जो चारों वर्ड आखिर में आते हैं उनके जो मैच कर रहे हैं। तो जैसे हमने पहली लाइन का जो स्टैंजा था उसको हम ए मान लेते हैं, दूसरी लाइन का अगर उससे मैच कर रहा है तो ए रहेगा, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसको हम बी कर देंगे। ठीक है, अब तीसरी लाइन का आखिर वर्ड मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है और बी हो गया, तो तीसरा वर्ड हमारा हुआ रिटर्नेस, और रिटर्नेस किससे मिल रहा है, अर्नेस्ट यानी ए वाले से मिल रहा है, तो इसको फिर हम ए का नाम देंगे। अब फोर्थ जो लाइन का आखिर वर्ड है वो गोल से मिल रहा है तीसरी वाली से, तीसरी वाली को हमने दिया था बी, तो इस तरह से हमारी राइम स्कीम ए बी हो जाती है। ठीक है, अब और क्वेश्चन आ सकता है जैसे व्हाट डज द पोएट टेल अबाउट लाइफ, पोएट लाइफ के बारे में क्या कहता है। तो द पोएट टेल्स दैट लाइफ इज रियल एंड सीरियस, इतना आपको लिखना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है तो आप इसको कॉपी में बार बार लिखें और लिखकर याद करने की कोशिश करें, लय के साथ, तुक के साथ।